गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली अब देख सकते हैं न्यू डियो जो कि 2022 मॉडल, ये न्यू एडिशन में न्यू कलर आपको दिख रहा होगा, रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। साइड से पैनल देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ स्टिकर बदलाव किया गया है, आप डियो का यहाँ पर देख सकते हैं लोगो, एंड ये जो स्टिकर आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स में आता है। ये आपको डियो स्पोर्ट आपको जो मिल रहा है ये बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर का कम्बिनेशन और बहुत ही बेस्ट लग रहा देखने में। बट जो पहले आता था डियो बस उसके ही तरह सेम है, बट इसमें जो स्टिकर दिया गया वो कुछ अलग सा कुछ आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं स्टिकर का लुक कुछ इस तरह से आपको देख रहा है। ये मोटो स्पोर्ट स्कूटर, मोटो स्कूटर एंड यहाँ पे स्पोर्ट का लोगो आप देख सकते हैं एंड डियो का लोगो आप देख सकते हैं। बाकी पीछे का बैक लाइट आप देख सकते हैं, वो जो पहले आता था वही सेम आपको बैक लाइट देखने को मिलता है। बट जो ये लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर का कम्बिनेशन की जहाँ तक बात करें तो वो भी बहुत ही बेस्ट लग रहा है देखने में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्मूथ बाइक है, सॉरी स्कूटी है, होंडा का डियो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ मिडल कंसोल की जहाँ तक बात करें तो मिडल कंसोल भी सेम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड से आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका साइलेंसर कुछ इस तरह से है, और आप देख सकते हैं इसका जो फुटरेस, ये फुटरेस आप देख सकते हैं, फुटरेस भी सेम है, और ये स्पेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। कुछ डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले जो आता था सेम उसी लुक में आपको दिख रहा होगा ये। बट इसका जो कलर का कम्बिनेशन है कुछ इस तरह से है, ये 2022 मॉडल का न्यू स्पोर्ट डियो आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा इसमें फीचर्स भर भर के दिया गया है, जो कि पहले जो फीचर्स आता था बट उसी का तरह है, जो कि 7000 RPM का इसमें पावर देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा इसमें पावर है। जो पहले आता था वही सेम पावर आपको देखने को मिलता है। इसका टायर की साइज़ की जहाँ तक बात करें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है टायर का, ये आपको मैक्स का टायर देखने को मिलता है। ये आपको ये 100/90 का फ्रंट में 12 इंच का टायर देखने को मिलता है, और बैक में देखते हैं कितना का आता है। तो बैक में जहाँ तक बात करें तो इसमें भी वही सेम आपको टायर देखने को मिलता है, ये आपको देख सकते हैं वो 100/90 का बैक का टायर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि 10 इंच का टायर देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ग्रिप आप देख सकते हैं, ये ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा। तो डियो का न्यू कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन है जो पहले आता था, बट उससे कुछ अलग आपको देखने को मिलता है। एक जो स्टिकर है इसमें चेंज है, बाकी सब सेम है। ये अब हेडलाइट आप देख सकते हैं, पहले जो आता था वही आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ DRL आपको देखने को मिलता है, और ये आप देख सकते हैं इसमें आगे में जो DRL आता था वही सेम देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताने कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है और ये स्कूटी आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको लेना है तो हमारे यहाँ के जो होंडा शोरूम है वहाँ पर गाइस उपलब्ध है, बहुत ही बेस्ट स्कूटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।